स्वागत है आपका खबर 9 में। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने धार्मिक श्री राम अनुष्ठान शौर्य यात्रा निकाली। यात्रा में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। नगर के त्रिकोणी धाम मंदिर चौराहे पर धर्म सभा हुई, जिसमें अतिथि कार्यक्रम में मुख्य प्रवक्ता मालवा प्रांत के साप्ताहिक मिलन बजरंग दल प्रमुख मंगलेश सोनी, विहिप के धार जिला अध्यक्ष परमानंद जी विश्वकर्मा, जिला उपाध्यक्ष अशोक मुकाती, जिला समरसता प्रमुख मांगेलाल जाट, धार जिला संयोजक लाखन सिंह जादौन, कानवन प्रखंड संयोजक लाल जोशी आदि अतिथि उपस्थित थे। घर में जब रोटी बनती है तो पहली रोटी की माँ किसे देती है? गाय को। पहली रोटी घर की किसी बेटे को नहीं दी जाती, गाय को दी जाती है। और घर की अंतिम रोटी, घर की अंतिम रोटी भी घर के सदस्य नहीं खाते, घर की अंतिम रोटी कुत्ते को दी जाती है, तो घर की चौकीदारी करता है। अरे माँ हमारे आटे में शक्कर डाल कर देती है कि ले जाओ पेड़ के नीचे चींटियों को आटा देकर आना। गर्मी के समय में पक्षियों के लिए अन्न और जल का पात्र हम हिंदू समाज के लोग रखा करते हैं। ये हिंदू समाज, ये हिंदू संस्कृति एक पक्षी की चिंता करती है कि गर्मी के कारण कोई पक्षी, कोई प्राणी ना मर जाए। तो ये हिंदू को सांप्रदायिक कहने वाले, ये ताकतें, ये बाबरी मानसिकता के लोग, इनसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदू सांप्रदायिक कैसे हो गया। माँ गीता जयंती का दिन है और इसी दिन हिंदुओं का धैर्य टूटा और बाबरी मस्जिद को तोड़ने का हमने एक इतिहास रचा था। 1992 में 6 दिसंबर के दिन गीता जयंती थी, जो आज का दिन है। और इसी दिन हमने हमारे माता का नगर कलंक बाबरी ढांचे का विध्वंस किया था। और हम बोलते हैं कि राम मंदिर बनेगा और वाकई में राम मंदिर बनेगा, पर कहीं ना कहीं हिंदू समाज को जागरण की आवश्यकता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर 4 से 5 हजार की आबादी के गांव में मात्र 50-100 लोग हम राम मंदिर के लिए संकल्प ले, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए सोचनीय विषय है। और यहाँ के हिंदू समाज को भी सोचना चाहिए कि हम राम जी के लिए अड़े हैं और राम जी के लिए अड़े हैं। तो हम सब यहाँ विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के माध्यम से निकलने वाली शोभायात्रा में एकत्रित होकर हुए हैं। करोतकला से आदित्य राज धाकड़ की रिपोर्ट। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।